वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। हिमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपके किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन सेकंड टाइप ऑफ एनीमिया, थर्ड टाइप। यानी क्या एनीमिया भी थर्ड टाइप है, सेकंड टाइप का जो एनीमिया है उसके ऊपर ही आज का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो एक बार क्या आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो क्या सेकंड टाइप के एनीमिया का जनरल इंट्रोडक्शन था। सेकंड टाइप के एनीमिया के तीन सब टाइप थे, जिसमें कौन से एक मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि एनीमिया फर्स्ट टाइप था, जिसके अंदर क्या था कि एनीमिया का फॉर्मेशन स्लो हो रहा था, यानी फॉर्मेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहे थे आरबीसी के। और सेकंड टाइप का एनीमिया क्या, एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है मुझे ज्यादा जल्दी हो नहीं सकता है। उसका आंसर क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल काउंट के अंदर कमी आ जाती है और हिमोग्लोबिन परसेंटेज में कमी आ जाती है। देखिए रोल एज हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, हिमोलाइटिक एनीमिया इज ए डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड। यानी हिमोलाइटिक एनीमिया एक डिसऑर्डर है, बीमारी है इन विच जिसमें रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड, जिसमें क्या रेड ब्लड सेल बनती है उसके कंपेरिजन में ज्यादा जल्दी क्या है डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज होती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज आर हिमोलाइसिस। ये जो रेड ब्लड सेल का फूटना है यानी डिस्ट्रक्शन है, इनके अंदर इसको क्या बोलते हैं, पर हिमोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ यू हैव ए लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी आपकी बॉडी के अंदर क्या है रेड ब्लड सेल का जो अमाउंट है यानी काउंट है वो नॉर्मल लेवल के कंपेरिजन में क्या है लोअर है, कम है, यू हैव एनीमिया, तो आपकी क्या है एनीमिया की डिजीज है। व्हेन यू हैव एनीमिया योर बॉडी कैन नॉट ब्रिंग इनफ ऑक्सीजन, और जब आपके एनीमिया डिजीज है तो क्या आपकी बॉडी क्या है जितने अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी को उसके ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाती किस टिश्यूज और ऑर्गन। नेक्स्ट, हिमोलाइटिक एनीमिया कैन बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, यानी हिमोलाइटिक एनीमिया क्या है दो प्रकार का होता है मोस्टली। एक तो इनहेरिटेड मतलब बाई बर्थ जो क्या है अपने को जन्मदाता यानी पेरेंट्स से मिला हो, तो क्या क्रोमोसोम जीन से ट्रांसफर हुआ, और एक्वायर्ड यानी जो आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद में क्या है कोज हुआ हो, यानी जन्म के बाद में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हुई हो। तो इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया में देखिए हैपन वे हैड पेरेंट्स आफ्टर फॉर द कंडीशन ऑन देयर चिल्ड्रन, यानी इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया क्या है जिसके अंदर पेरेंट्स जीन पास करते हैं इस डिजीज के लिए, यानी क्या है मदर और फादर से क्या है चीज के लिए जीन्स अपने अंदर इंटर होते हैं। नेक्स्ट, एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया तो इज नॉट समथिंग यू आर बोर्न विद, यू डेवलप द कंडीशन लेटर, यानी एनीमिया क्या है एक्वायर्ड तो जिसके साथ क्या है आपने जन्म नहीं किया जन्म के बाद में डेवलप हुआ है, तो क्या बोलते हैं एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या है सेकंड टाइप एनीमिया जो है यानी हिमोलाइटिक एनीमिया उसका सब टाइप क्या है सिकल सेल एनीमिया, यानी क्या है इससे आरबीसी की शेप कैसी होती है हाफ मून शेप यानी आधे चंद्रमा के आकार की, जिसको क्या बोलते हैं सिकल या कैसी शेप बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में देखिए एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर वेयर रेड ब्लड बिकम सिकल क्रिएटिंग सेल, यानी एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर यानी क्या एक अनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है बीमारी है जो क्या पेरेंट से स्प्रेड होती है। वेयर रेड ब्लड सेल बिकम सिकल या क्रिएटिंग सेल यानी जिसमें क्या है जो आपकी आरबीसी है वो कैसी सेल की हो जाती है सिकल और क्रिएटिंग सेल की हो जाती है। नेक्स्ट, इट रिजल्ट्स इन एन एबनॉर्मलिटी इन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन
हीमोग्लोबिन काउंटिंग रेड ब्लड सेल। और सिकल सेल एनीमिया का रिजल्ट क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी हो जाती है किसमें, इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी प्रोटीन में, जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाली प्रोटीन आरबीसी हीमोग्लोबिन उसके अंदर क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, उसकी सेल चेंज हो जाती है। और उसी कंडीशन में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, जो किसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टर्न इन एसबीएफ दैट लीड टू सिकल सेल। आरबीसी क्या है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज में क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन का हिस्सा रखता है, जो क्या होता है एसबीएफ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एसबीए पाया जाता है, जिसके अंदर दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है। और एसबीएफ के कारण क्या है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, जो कैसी हो जाती है, सिकल सेल की हो जाती है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी एन एक्सपोज टू हाइपोक्सिन रिजल्टिंग इन अर्ली रप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, यानी क्या है कि सिकल सेल की डिफॉर्मिटी शेप चेंज होगी, और शेप चेंज होने के कारण क्या होगा, जैसे ही हाइपोक्सिन के कॉन्टेक्ट में आएगी उसकी रिजल्टिंग क्या होगी, अर्ली रप्चर हो जाएगी या डिस्ट्रक्ट हो जाएगी उसकी सेल की शेप एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या है, सेकंड सब टाइप ऑफ एनीमिया में सेकंड टाइप है थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया में देखिए एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ये भी क्या है, एक ऐसा इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जन्मजात डिसऑर्डर है, तो कितने कैरेक्टराइज है कि जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म करने लगता है आपको, यानी बोन मैरो के अंदर हीमोग्लोबिन की सही स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट देयर इज डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो चेन है, यानी प्रोटीन जो फोल्डर है हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके बनने में सिंथेसिस में क्या रहता है, डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट दिस कॉज ऑफ प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ड्यू टू दो प्रकार का होता है, एक तो अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया तो क्या होता है, जो अल्फा चेन होती है इसकी हीमोग्लोबिन की, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन की, उसके अंदर डिफेक्ट आता है। और बीटा थैलेसीमिया में क्या आता है, बीटा चेन के अंदर डिफेक्ट आता है। और अल्फा थैलेसीमिया भी क्या है, दो प्रकार है, यानी अल्फा थैलेसीमिया भी क्या है, डिफेक्ट इन अल्फा चेन, यानी हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन में डिफेक्ट है, अल्फा चेन के अंदर। और अल्फा थैलेसीमिया क्या है, दो प्रकार का, एक तो अल्फा मेजर, एक अल्फा माइनर, यानी एक तो अल्फा बड़ा है जिसमें क्या है, दोनों प्रकार के अल्फा चेन में चेंजेस होते हैं, अल्फा माइनर में एक ही अल्फा चेन चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, एक बीटा मेजर होता है, एक बीटा माइनर होता है, यानी क्या है, बीटा मेजर का क्या है कि बीटा, यानी दोनों जो दो चेन प्रेजेंट होती है बीटा हीमोग्लोबिन की, उन दोनों में डिफेक्ट आ जाता है। और बीटा माइनर में एक ही चेन में साइड में डिफेक्ट आता है। डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन रिलेटिंग टू मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट अलाउज एरिथ्रोसाइट टू चेंज इट। और ये क्या होता है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके कारण कॉज होता है कि आपके जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, रिलेटेड है
जो मेम्ब्रेन प्रोटीन से रिलेटेड है, यानी ब्लड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है, और इस वजह से क्या होती हो जाती है, चेंज हो जाती है मेम्ब्रेन की रेड ब्लड सेल की। इन दिस कंडीशन आरबीसी एक्सेसिवली मेबल ऑफ सोडियम आयन, और इस कंडीशन क्या होगा, जैसे जीन में म्यूटेशन होगा, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगी, एक्सेसिवली परमीएबल हो जाएगी इसके लिए, ये सोडियम आयन के लिए, यानी वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी बिल्कुल। क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि इसकी सेफ मेम्ब्रेन है वो क्या है, पहले के कंपैरिजन में इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि जीन के अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है वो क्या है, इनहेरिटेड है, पेरेंट से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट This means it is passed down from parents through their genes. वे कैसे ट्रांसफर होती है, पेरेंट्स के जीन ट्रांसफर होने से ट्रांसफर होती है। Next, it is when the body does not have enough enzyme called G6PD. और ऐसा कब होता है कि G6PD की डेफिशिएंसी यानी एनीमिया कब होता है, इससे रिलेटेड तो आपकी बॉडी में G6PD यानी ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की क्या हो, जब आपके ह्यूमन बॉडी में कौन सा एंजाइम नहीं है, ग्लूकोज फॉस्फेटिडिल हाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। दिस एंजाइम हेल्प रेड ब्लड सेल प्रॉपर्ली वर्क, ये क्या काम करता है, इसकी रेड ब्लड सेल को वर्क करने में हेल्प करता है। ए लैक ऑफ दिस एंजाइम कैन कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया, तो G6PD की क्या कॉज कर सकती है, हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकती है। फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएज़ वो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड रहता है, जरूरी होता है कि एनएडीपीएस के फॉर्मेशन के लिए, और एनएडीपीएस मेंटेन ग्लूटाथियोन इन रिड्यूस स्टेट, एनएडीपीएस किसको मेंटेन करता है, कि ग्लूटाथियोन को मेंटेन करता है किस कंडीशन, रिड्यूस कंडीशन में यानी रिड्यूस स्टेट में, यानी जब क्या ग्लूटाथियोन की कमी होती है ह्यूमन बॉडी में, उसको मेंटेन कौन करता है, एनएडीपीएस, और एनएडीपीएस को कौन मेंटेन करता है, G6PD। और जो ग्लूटाथियोन ग्लूटाथियोन कंटेंट है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको क्या है, सही तरीके से मेंटेन करने का काम करता है, उसका मेंटेनेंस करता है। और अगर आपको पता है ग्लूटाथियोन की कमी होगी ह्यूमन बॉडी में, इस वजह से G6PD की वजह से, यानी जैसे G6PD कम होगा, एनएडीपीएस भी कम क्रिएट होगा, कम बनेगा,
एलईडीपीएस कम बनेगा तो ग्लूकोज जीवन का जो रिलीज लेवल है वो मेंटेन नहीं होगा, और अगर इसी लेवल मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा कि आरबीसी की टाइम ऑफ वेनम क्या होगी, कमजोर हो जाएगी धीरे धीरे, यानी परमीएबल हो जाएगी, और परमीएबल रिलीज क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी आरबीसी। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ एनडीपीएस रिड्यूस ग्लूटाथियोन लेवल, यानी क्या है डी सिक्स पी डी एस एम के द्वारा एनडीपीएस का जो कंस्ट्रक्शन है होगा निगेटिव हो गया, यानी क्यों डी सिक्स पी डी इसमें आ गई एफिशिएंसी आ गई, एनडीपीएस का जो कंस्ट्रक्शन था वो भी क्या हो गया रिड्यूस हो गया, और एनडीपीएस रिड्यूस ग्लूटाथियोन लेवल। जैसे ही एनडीपीएस का जो लेवल है वो रिड्यूस होगा ग्लूटाथियोन का लेवल भी क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, और जो कि की रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटाथियोन कि आरबीसी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट इफ जीन सिक्स पी डी एंजाइम लेवल इज डिक्रीज एंड आरबीसी मेम्ब्रेन वीक एंड अर्ली डैमेज एंड कॉज ह्यूमोलाइटिस एनीमिया, और अगर क्या इसीलिए क्या है कि जैसे जी सिक्स पी डी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी उसका लेवल डिक्रीज होगा तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन क्या होगी कमजोर होगी या फिर अर्ली यानी जल्द से डैमेज होगी 120 दिन से पहले डैमेज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा आपकी ह्यूमन बॉडी में धीरे धीरे ह्यूमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगी, यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा जिस कंपेरिजन में आरबीसी फॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल है और जो इसको मेंटेन करता है ग्लूटाथियोन के रिड्यूस लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट द डिक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ एनडीपीएस, जैसे ही एनडीपीएस का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा डिक्रीज होगा रिड्यूस होगा, तो क्या होगा ग्लूटाथियोन का लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा। ग्लूटाथियोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इसीलिए जिस पीडी एंजाइम लेवल इज डिक्रीज बहुत ही कम कंडीशन में होता है कि रेड ब्लड सेल को ग्रैब कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। Something that would trap from your body such as infection, drugs, smoking, venom, or certain food. और कई बार क्या होता है कि ऐसा trap की वजह से भी हो सकता है, जैसे आपके body में कोई infection हो गया हो या drugs हो, कोई drugs ले रहे हो आप, या फिर स्मोकिंग करते हो या फिर शाम का जहर हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप कोई फूड ऐसा ले लिया जिससे क्या है कि आपकी स्किन क्या है आरबीसी को जल्दी डैमेज करने लगी, यानी वो ट्रैप करेगी पकड़ेगी और किल कर देगी। नेक्स्ट या फिर कोई इंफेक्शन ऐसा हो गया हो या ड्रग्स ले रहे हैं आप या स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, यानी सांस के जहर की वजह भी हो सकता है,
अगर कोई फूड ऐसा ले रहे हो हो सकता है। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि टॉक्सिन क्या होगी, लीवर किडनी में टॉक्सिन भी प्रोड्यूस हो जाएंगी, उनमें भी एडवांस डिजीज हो जाएगी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, यानी क्या है कि आपका ब्लड लॉस हो गया, यानी ब्लड बाहर निकल गया ह्यूमन बॉडी से, ये क्या है थर्ड टाइप का एनीमिया। यानी फर्स्ट टाइप का एनीमिया क्या था, क्या था आपके फॉर्मेशन में कमी आ गई, यानी आरबीसी की रेड ब्लड सेल बन कम रही है बोन मैरो में। सेकेंड टाइप का एनीमिया था आरबीसी का ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा है, दोनों के सब टाइप और दोनों के टाइप क्या हो गए कम्प्लीट हो गए। थर्ड टाइप का एनीमिया क्या है, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, यानी आपका ब्लड क्या है लॉस हो गया, यानी ब्लड क्या है ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल गया। तो ये भी क्या है दो प्रकार होता है, सबसे पहला क्या है क्रॉनिक ब्लड लॉस, तो इसमें देखिए प्रोलॉन्ग्ड मॉडरेट ब्लड लॉस कैन कॉज दिस टाइप ऑफ एनीमिया। यानी क्या है कि आपका ब्लड लॉस क्या है ब्लड धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है, यानी प्रोलॉन्ग मॉडरेट, यानी क्या है जैसे बीपीआई या फिर अगर किसी क्रैक के अंदर धीरे धीरे क्या है तो ब्लीड हो रहा है किसी रिडक्शन के कारण या अगर उसको क्या बोलते हैं क्रॉनिक ब्लड लॉस। Can be a form of microcytic anemia or chronic blood loss or the microcytic anemia. Then you have to urinary tract infection. The urinary patients के अंदर क्या है uterus के अंदर भी bleeding होने लगती है, ये भी है microcytic anemia के form है, यानी chronic blood loss के form है। Next, in early stages in laboratory test, can be minimal. और क्या होता है कि chronic blood loss anemia में क्या होता है कि जैसे ही आप लैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाओगे उसके अंदर ज्यादा पता नहीं लग जाता है इनके धीरे धीरे क्या है उनकी डायग्नोज होती है। कैंसर फास्ट प्रोवाइड इनकी वजह से भी क्या हो सकता है आपको क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है, यानी कैंसर की डिजीज यानी ब्लड सेल कैंसर हो गया या फिर कोई चोट लगी हुई है पहले यानी कोई एक्सीडेंटल कहीं था पहले उसकी वजह से क्या हो सकता है क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है। तो शुरू में देखिए कि क्रॉनिक ब्लड लॉस तो प्रोलॉन्ग मॉडरेट ब्लड लॉस कैन कॉज दिस टाइप ऑफ एनीमिया। यानी लंबे समय तक ठीक इसके अंदर आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है प्रकार का एनीमिया कॉज कर सकती है। तो क्या ब्लीडिंग स्टोमक सीआईडी आपके क्या स्टोमक के अंदर अल्सर हो गई उसके वजह से स्टूल के अंदर ब्लड पास होने लग गया तो वो भी क्या कॉज कर सकता है क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया कॉज कर सकता है। या फिर ब्लीडिंग इन द यूरिनरी ट्रैक्ट और इन फीमेल ब्लीड फ्रॉम द यूटरस कैन बी द सोर्स ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। या क्या है आपके यूरिन ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होना शुरू होगी या फिर फीमेल पेशेंट में यूटरस से ब्लीडिंग होना शुरू होगी, ये दोनों भी क्या है क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया के सोर्स है यानी स्रोत है। और इन किस प्रकार के एनीमिया को क्या अपन जल्दी डायग्नोज नहीं कर सकते, इसमें क्या धीरे धीरे चेंजेस होते हैं किसमें क्रॉनिक ब्लड लॉस में और कैंसर या फिर पास्ट ट्रॉमा या फिर शुगर की वजह से क्या क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्या एक्यूट ब्लड लॉस यानी अचानक से होने वाला ब्लड लॉस हीमोरेज अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल केस इन दिस कंडीशन आरबीसी या नॉर्मोसाइटिस, यानी क्या है आपका एक्सीडेंट के टाइम पे अचानक से क्या है ज्यादा ब्लीडिंग होगी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हीमोरेज। और इस कंडीशन में क्या होता है आपके आरबीसी नॉर्मल साइटिस यानी नॉर्मल पेस में हीमोरेज एट ए रैपिड पेस रैपिड पेस कॉज मोर सीवियर सिम्पटम देन ए स्लोअर ब्लीड। हीमोरेज क्या है रैपिड यानी तेजी से होने वाला कैपेसिटी से होने वाला एनीमिया और ये क्या है स्लोअर ब्लीड यानी क्रॉनिक एनीमिया के कंपैरिजन में ज्यादा सीवियर है यानी ज्यादा घातक है।
ब्लड वॉल्यूम में भी आपके बॉडी के नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर ब्लड ग्रुप बी के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।